हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फेज ऑफ टीचिंग के बारे में। इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको नेट, सेट या पीएचडी एंट्रेंस से रिलेटेड सारी वीडियो मिलती रहेंगी। तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड का एक सीरीज अपलोड हो रहा है, जिसका ये तीसरा वीडियो है। तो चलिए आज के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है फेज ऑफ टीचिंग। फेज ऑफ टीचिंग देखिए, टीचिंग का एक फेज है। ये टीचिंग किस फेज में होता है? तीन फेज में होता है। पहला फेज है पढ़ाने से पहले, जिसको प्री एक्टिव फेज बोलते हैं। एक पढ़ाने के दौरान जो आप एक्टिविटी करते हैं उसे इंटरेक्टिव फेज बोलते हैं, और एक पढ़ाने के बाद का जो पोस्ट एक्टिव फेज होता है। तो यह है प्री एक्टिव फेज पहला। इसमें क्या करते हैं, हम लोग प्लानिंग करते हैं। अगर कल क्लास लेने जा रहे हैं या एक घंटे के बाद ले रहे हैं, तो पहले प्लानिंग करेंगे। विदाउट प्लानिंग तो होगा नहीं, तो पहले प्लानिंग करेंगे कि क्लास में कैसे पढ़ाने जाएंगे। और प्लानिंग के दौरान क्या करेंगे, पहले गोल बनाएंगे कि कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ाना है और कितने लेवल तक समझाना है। उसके बाद उसके लिए डिसाइडिंग द कंटेंट, कंटेंट डिसाइड करेंगे कितना कंटेंट बच्चों को देना है। उसके बाद कंटेंट का सीक्वेंस भी डिसाइड करेंगे कि कौन सा कंटेंट, कौन सा टॉपिक किस स्टेप में बताएंगे कि बच्चों को समझ में आए। पहले इजी बताना पड़ता है, फिर धीरे धीरे वो हार्ड की तरफ जाते हैं। जैसे डिडक्टिव में क्या होता है, पहले ओवरऑल बताते हैं, फिर बीच में जनरल से लेकर स्पेसिफिक तक हम लोग पहुँचते हैं। उसके बाद अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी डिसाइड करते हैं। जब सब डिसाइड हो गया तो बच्चों के हिसाब से टीचिंग का हम लोग तरीका बदलते हैं, क्योंकि बच्चे के सीखने का तरीका अलग होता है। एक तरीका काम नहीं किया तो दूसरा तरीका से काम करेंगे। तो आपको पहले से पता होगा कि बच्चे कैसे हैं, तो उनको कौन सा तरीका ज़्यादा सूट करेगा। ये था प्री एक्टिव फेज, जो कि हम लोग प्लानिंग करते हैं क्लास के बारे में, क्या क्या पढ़ाएंगे और कैसे पढ़ाएंगे, ये प्लानिंग करते हैं। अगला फेज है फेज ऑफ टीचिंग, अगला है इंटरेक्टिव फेज। इंटरेक्टिव फेज में क्या करते हैं हम लोग, साइजिंग अप द क्लास, क्लास को ऑर्गेनाइज करते हैं और क्लास लेना शुरू करते हैं। उसमें क्या होता है, डायग्नोसिस ऑफ द लर्नर्स, जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ा रहे हैं वो लर्नर्स से पूछते हैं कि इस टॉपिक के बारे में वो कितना जानते हैं जो हम पढ़ाने वाले हैं। उस हिसाब से फिर डिसाइड करते हैं कि इन्हें कैसे कंटेंट प्रोवाइड करवाना है, कैसे पढ़ाना है। उसके बाद लास्ट में एक्शन और रिएक्शन एंड अचीवमेंट, जो भी पढ़ाए हैं वो समझ में आया या नहीं आया, उस हिसाब से हम लोग फिर से उसे तरीका बदल के समझाते हैं। फिर समझ में नहीं आया फिर दूसरा तरीका से समझाते हैं। हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि जो कॉन्सेप्ट हम बच्चों को पढ़ाने आए हैं वो बच्चा सीख के जाए, चाहे वो स्किल हो या कोई टॉपिक हो। तो ये था इंटरेक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। ये पढ़ाने के दौरान का फेज है, जो पढ़ाने के दौरान आप जो कुछ भी करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, सारा कुछ इसमें आ जाता है। अगला फेज है पोस्ट एक्टिव फेज। ये पढ़ाने के बाद होता है कि हमने जो पढ़ाया क्या वो बच्चा सीख पाया। उसके लिए टेस्टिंग डिवाइस, अप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइस सेलेक्ट करते हैं। अब कैसे चेक होगा, कुछ लोग क्लास में ही पूछ लेते हैं बच्चों से बारी बारी से, क्या समझ में आया तुम्हें। कुछ लोग वीकली टेस्ट लेते हैं, वीकली टेस्ट में एमसीक्यू से टेस्ट ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, असाइनमेंट दे देते हैं या रियल प्रैक्टिकल टेस्ट ले लेते हैं रियल लाइफ का। तो तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड किस पे करता है, आप कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं और क्या टेस्ट करना चाह रहे हैं, उस हिसाब से टेस्टिंग डिवाइस आप सेलेक्ट करेंगे। चेंजिंग एंड इम्प्रूविंग स्ट्रेटेजी ऑफ टीचिंग, आपको जो तरीका पढ़ाने का उसमें हमेशा से चेंज लाना होगा इस रिजल्ट के हिसाब से कि बच्चे कितने समझ पाए, उनका लेवल कितना है और आप कितना उनको दे पा रहे हैं कॉन्सेप्ट। तो ये था फेज ऑफ टीचिंग के बारे में, और अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।